गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वर्ल्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे हो। आज पहली बार हम लोग एयर इंडिया ट्रैवल करने वाले हैं और 6 महीने के बाद हम लोग फिर से मुंबई वापस जा रहे हैं। जब से टाटा ने एक्वायर किया हम लोगों का, थोड़ा सा तो एयर इंडिया के ऊपर मतलब भरोसा बढ़ गया है। तो चलो अभी एयर इंडिया में ट्रैवल करते हैं और देखते हैं एयरपोर्ट में जाके कि कैसा है सब कुछ। और अभी 6:30 बज गया, ऑलरेडी 6:30 ओला भी। हाँ, हम लोगों का फ्लाइट है 9:20 में। मतलब हाथ में टाइम तो है लेकिन फिर भी थोड़ा जल्दी निकलेंगे। हाँ, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम लगने का पता नहीं। चलो, और वैसे भी मेरा मूड आज थोड़ा तो ऑफ हो गया। हाँ, मतलब लगभग 6 महीना हम लोग बिताए इधर पे और फिर सबका मूड ऑफ हो गया घर में, मम्मी पापा बुआ सबका। चलो निकलते हैं और फिर बात करते हैं। तो अभी ओला कैब आ चुका है, ओला नहीं उबर बुक किया है और टाइम हाथ में है 2 घंटे से ऊपर, बट अराउंड 40 मिनट लगने वाला है। तो चलो अभी गाड़ी में बैठते हैं फिर बात। हम लोग का एयर इंडिया का फेयर अराउंड 4,900 करके लगा है और इसमें एक चीज अच्छा है कि लगेज में 25 kg दिख रहा है। पता नहीं उधर जाके ज्यादा पता चलेगा लेकिन लगेज में तो 25 kg दिख रहा था। आइडियली तो ये 15 kg होता है और हैंड बैगेज तो 7 kg का ही है ही, लेकिन लगेज का काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है। ये तो हम लोगों के लिए अच्छा है, हम लोग हमेशा बहुत बहुत ज़्यादा लगेज लेकर ट्रैवल करते हैं। से आए कोई तकलीफ तो हुआ नहीं है और 30 किलोमीटर रास्ता है तो 662 रुपये लगा जो कि काफी रिजनेबल है। 662 टोटल लगा। और सुबह वैसे भी गाड़ी कम रहता है तो उस हिसाब से थोड़ा प्राइस ज्यादा अगर होता भी तो भी चल जाता, लेकिन बहुत रिजनेबल प्राइस है और उबेर से कभी तकलीफ नहीं हुआ। जो लोग नए ट्रेवल करना चाहते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहती हूँ, लैपटॉप एडाप्टर पावर बैंक और इसके साथ अगर लड़के लोग हैं तो लड़का या लड़की बेल्ट मोबाइल फोन सब कुछ एक ट्रे में, वहाँ पे देख रहे हो आप ट्रे, तो वो ट्रे में डाल के फिर सिक्योरिटी चेकिंग होता है इंडिविजुअल। और इसको देखो, इसका बेल्ट वगैरह सब कुछ, अगर शू भी पहनते हो जैसे कि मैं आज बूट पहन कर आई हूँ तो शू भी आपको उतना मतलब उतरना पड़ता है, तो ये मैंडेटरी रहता है। तो अभी हम लोग गेट नंबर के तरफ जा रहे हैं। गेट नंबर बोलो। इंटरनेट फेलियर, गेट नंबर नहीं दिख रहा है। ओह नो, यहाँ पे इंटरनेट देख रहा हूँ। हाँ, इंटरनेट फेलियर कैसे होता है यार, ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। तो अभी गेट नंबर ऐसे डिस्प्ले होता है तो इंटरनेट फेलियर जो था वो ठीक हो गया। अभी हम लोगों का यार कहाँ पे है, गेट नंबर 18 किधर है? ये नीचे सबसे नीचे वाला ही तो है, 920 नहीं है, 925 है। ओ अच्छा, एयर इंडिया ना। हाँ, गेट नंबर 18 तो हम लोगों का हो गया। गेट नंबर 18 पे यहाँ पे देख रहे हो सब ऐसे मतलब डिस्प्ले होता है और ऐसे यहाँ पे
हो जाता है। हाँ, लेकिन 2 मिनट के लिए इंटरनेट फेलियर हुआ था तो मेरे को धक्का हो रहा था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 18 पे और यहाँ पे लिखा है 23, सो 22, 18 तक जाना है मुझे। कितना पैदल चलना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे ऐसा है अगर कोई लेट हुआ ऐसा कुछ तो वेट तो करता है उन लोगों का जब तक टाइम है, और आपका नाम बोल के पुकारते भी है, हाँ अनाउंस भी करते हैं अगर कोई मिसिंग है। एक बार हम लोगों के साथ हुआ, हम दोनों का टाइम से फ्लाइट लेट नहीं हुआ था, फ्लाइट टाइम से पहले छूटने वाला। हाँ एक्चुअली फ्लाइट पूरा फुल हो गया था, सिर्फ हम दोनों ही बाकी थे। हम लोगों को लगा था टाइम है तो हम लोगों का नेम अनाउंसमेंट कर रहा था तो सिर्फ हम दोनों के लिए फ्लाइट रुके थे तो इसलिए आ गया। चलो फाइनली गेट नंबर 18, सब वेट कर रहे हैं तो हम लोग भी वेट करेंगे थोड़ी टाइम के लिए। थोड़ी टाइम के लिए हम लोग भी वेट करेंगे यहाँ। अभी मतलब 40 मिनट बचा है और आधा घंटे पहले बोर्डिंग होता है, तो मतलब 10 मिनट के अंदर फिर अभी शायद बोर्डिंग करवाएगा, तो 10 मिनट है अभी बोर्डिंग से। आप लोग खाना चाहते हो तो वहाँ वो बांचरान पे फूड स्टॉल मिलेगा, बहुत सारा फूड स्टॉल है, एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है बट फूड स्टॉल बहुत ज्यादा है, स्टॉल है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर दूसरा कुछ चीजें है। बोर्डिंग का बुलावा आ गया। हाँ तो अभी भी 30 मिनट बाकी है, आधा घंटा पहले आइडियली बोर्डिंग होता है तो अभी बोर्डिंग टाइम 8:55 है। ये देखो दिख रहा है क्या, उल्टा दिख रहा है। तो 9:25 को फ्लाइट है तो बोर्ड यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट बोर्ड करवा रहे हैं। हाँ। तो हम लोगों का फोटो खींचना था डायरेक्ट और यहाँ पे बस नहीं अगर मतलब ये डायरेक्ट है, बुरा लगा बट ठीक है, नहीं अच्छा ही है डायरेक्ट, नहीं तो बस से होता तो फिर हाँ बस वो एक्स्ट्रा हेडेक रहता है, ये डायरेक्टली जाएगा। तो अभी लगेज हम लोग रख दिए ऊपर, यहाँ पे देख सकते हो सीट काफी साफ सुथरा है। हाँ, सीट बहुत ही साफ सुथरा है, और बीच वाला सीट येलो कलर का है और दोनों साइड वाला रेड कलर का है, और लेग स्पेस भी ठीक ठाक ही है, मतलब मेरे लिए तो ठीक ठाक है। सीट शायद भरा हुआ है सीट पॉकेट, अदरवाइज 6 फीट का भी बंदा शायद आ सकता है, ये काफी लेग स्पेस दिख रहा है मुझे और फुट रूम भी है काफी। कुछ चिकन था, हम लोगों ने नॉन वेज लिया तो ये, और ये अभी कॉफी देके जाएगा, अभी तक नहीं। यहाँ पे पानी भी है, इसके अंदर क्या है, टिश्यू पेपर वगैरह नहीं, टिश्यू पेपर नहीं, और यहाँ पे मुझे कच्चा भी है, स्पून है, स्पून वगैरह कॉफी का भी है। अच्छा तब तो सही है, तो देखो अभी जस्ट थोड़ी टाइम पहले ही खाना खाया और अभी फिर से स्टार्ट हो गया इसका खाना, मतलब और मुझे बोलते कि मैं भूखा हूँ, ये मेरे से भी ज़्यादा भूखा है। नॉन वेज मिल गया और क्या चाहिए, नॉन वेज मिल गया तो और कुछ नहीं चाहिए। लग रहा है कि फ्लाइट डाउन जाना है। हाँ अभी डाउन हुआ तो अभी लैंडिंग का टाइम है,
लगभग 6 महीने के बाद फिर वापस आए हम लोग मुंबई. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगेन बैक टू मुंबई. बैक टू सेम लाइफ स्टाइल. या सेम लाइफ स्टाइल, ऑफिस, घर, खाना, बस वही. बैगेज लेते हैं, बैगेज 13 नंबर काउंटर पे है. उसके बाद तो हम लोग पहुंच गए बेल्ट नंबर 13 पे. ये देखो गाइस, ये है बेल्ट नंबर 13 जहाँ पे हम लोगों का लगेज आने वाला है और हम लोग रुक रहे हैं वेटिंग फॉर आवर लगेज. ये देखो कुली नंबर 2. ये सब उठाने बोलो गुली का कमर टूट जाएगा. ये बस मतलब ट्रॉली है, इसके लिए खींच पा रही है. फिर भी व्हाटएवर, बट गुली तो मैं ही हूं ना अल्टीमेट गुली. एग्जिट ओ दिखे ऐसा गुली है, एग्जिट किधर है नहीं पता है. कौन दी जाए लेट हो चुका है क्योंकि गाड़ी का वेट करते करते और हम लोग थक भी गए, लिटरली थक गए सुबह 4 बजे से उठ के अभी तक नॉन स्टॉप. अभी तो ऑलमोस्ट 2 बजने को आया, घर पहुंचते वक्त 2:30 बज जाएगा. बहुत लेट हो चुका आज, फ्लाइट में भी लेट हुआ और पूरा जर्नी भी लेट हुआ हम लोग. वैसे जो भी हो मतलब अच्छा ही था, सर्विस भी अच्छा था और हम लोग का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था. तो मैं 8 स्टार दूंगा. और हाँ, मैंने जितना सुना था कि रतन टाटा का एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई देता है या फिर सुनाया जाता है जब फ्लाइट में बैठते हैं, मैंने ऐसे सुना था, बट ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है. मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी मैं थोड़ा लेट बैठा हूँ इसके लिए क्योंकि हम लोग नहीं 1 to 10 रो जो है वो लोग पहले बैठे हैं. कुछ भी नहीं था. हाँ ऐसा था नहीं इसके लिए. मैं बहुत कुछ लोग ज़्यादा बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैंने नहीं सुना इसके लिए. मैं मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ है नहीं, या फिर पहले एक दो फ्लाइट में किया रहेगा जब टाटा ने अक्वायर किया है. हाँ उसके बाद शायद बनता. हाँ हो सकता. और राय कुछ खाने के बारे में बोल रही थी क्योंकि ये इतना इम्प्रेस हो गई खाना देख के. नहीं एक्चुअली मैं दूसरे फ्लाइट में भी चली थी, ऐसा नहीं, बट इनका जो खाने का जो क्वालिटी है वो मुझे अच्छा लगा, पैकेजिंग भी बहुत अच्छा लगा. और एक चीज है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई बैचलर कुछ सोच के जा रहे हो तो शायद डिसअपॉइंट होंगे. और कुछ नहीं एक्सप्लेन करूंगा. पागल नहीं, मैं भी बैचलर रह चुका हूँ तो इसके लिए मैंने ये बोल दिया. आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ. और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब प्लीज. हाँ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बटन प्लीज कर दीजिएगा. सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.